संघ प्रमुख मोहन भागवत 15 और 16 अगस्त को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। भागवत का यह दौरा बीजेपी के लिए अहम माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि संघ प्रमुख अपने इस दौरे पर तमाम मुद्दों पर मंथन करने के साथ ही प्रदेश में बीजेपी की कमजोर पड़ चुकी जमीन को मजबूत करने के लिए भाजपाइयों को मंत्र भी देंगे। हालांकि कांग्रेस भागवत के दौरे को लेकर विपक्ष की गुटबाजी को उछाल रही है। संघ प्रमुख के छत्तीसगढ़ दौरे से सियासी गलियारों में क्यों मची है खलबली? मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ दौरा बीजेपी कांग्रेस के बीच क्यों बना है सियासी रार का कारण? आरएसएस प्रमुख का दौरा क्या बीजेपी को दे पाए का संजीवनी? ये वो बड़े सवाल है जो कि इन दिनों प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियों को हवा दे रहे हैं। दरअसल मोहन भागवत का दौरा उस वक्त हो रहा है जब अयोध्या में राम मंदिर के जवाब में सूबे की भूपेश सरकार ने राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या के नाम पर मंदिर बनाने का ऐलान किया है। भूपेश सरकार रामबन गमन पथ को टूरिस्ट सर्किट के तौर पर विकसित कर रही है। गोबर की खरीदी के साथ गौ सेवा को लेकर कांग्रेस सरकार की नीतियां बना रही है। ऐसे परिदृश्य में संघ की रणनीति क्या होगी जिसके बूते राज्य में बीजेपी की कमजोर होती जमीन को मजबूत किया जा सकेगा? इन तमाम मुद्दों पर दो दिवसीय बैठक में रायशुमारी होगी। हालांकि भागवत के दौरे पर कांग्रेस की बहुत तंग है। कांग्रेस का कहना है कि अयोध्या श्रीराम मंदिर का श्रेय लेने वाले संघ प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ की कौशल्या माता के सालों साल के कारावास पर कुछ कहेंगे। भागवत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कामकाज पर क्या कहें? कांग्रेस के मुताबिक संघ प्रमुख इसलिए छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस के इस बार पर विपक्ष ने भी जोरदार पलटवार किया। मोहन भागवत जी का ये प्रवास सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की जो दुरावस्था है उसके कारण हो रहा है। भागवत जी को भाजपा के 15 साल के शासनकाल में गौशालाओं में हुए करोड़ों के घोटाले, भ्रष्टाचार और हजारों गायों की जो गौ हत्या हुई रमन सिंह के सरकार में, उस पर भी भाजपा से जवाब तलब करना चाहिए। मोहन भागवत जी का प्रवास, उससे ना बीजेपी को लेना देना है, ना कांग्रेस को लेना देना चाहिए, ना कांग्रेस की सरकार को लेना देना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को शायद संघ के सरसंघचालक जी का दौरा होने पर उनमें भय पैदा हो गया, इसलिए प्रतिक्रिया व्यक्त करें। बहरहाल मोहन भागवत के दौरे पर कांग्रेस की सियासत के अपने एजेंडे होंगे, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद गुटबाजी से जूझ रही बीजेपी क्या स्थिर हो पाएगी। संघ प्रमुख के दौरे से क्या बीजेपी में कोई बदलाव आएगा या कहानी वही पुरानी रहेगी? स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से आशीष तिवारी की।